खुशी महसूस होता है कि भाई अगर हमें अल्लाह ने कुछ दिया है तो हम किसी के कुछ काम आ सक रहे हैं। किसी पे कोई एहसान नहीं है, अपनी मर्जी से देते हैं और जो लोग लेने आते हैं हम लोग उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोग ने हमें मौका दिया किसी की खिदमत करने। इकराम भाई और बबलू भाई, हम लोग क्या कहें, बात के जो बबलू भाई है बहुत अच्छे, ये इकराम भाई भी बहुत दिन से ये कर रहे हैं। जैसे कि पॉलिटिशियन ऐसा कुछ उरूज में आया इसके वजह से नहीं, ये काफी दिनों से इनका कि वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बिल्कुल टूटे नहीं। क्योंकि होता क्या है, केस हो जाता है या कोई मसला आ जाता है तो फिर उसके बाद जो है 10 साल के बाद हमारे इलाके में जो है 13-14 फैमिली को जो है घर से बेघर कर दिया गया, कोर्ट के ऑर्डर के जरिए जो है उसको तोड़वा दिया गया। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि मकान बने, हम लोग आज राशन बांट रहे हैं, ठीक है, राशन बांटने का काम कर रहे हैं, आरोप तो लगते ही, तो हर बात के जवाब देने की जरूरत है। हमको किसी से कोई रंजिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो चाहे कह सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई बाहर से आए नहीं है, जो लोग भी कह रहे हैं वो भी कल हमारे अपने ही थे। क्या समझे, हमने सुना है कि जो लोग कह रहे हैं, तो सवाल ये है कि ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइन लगी है, ये औरतें सब जो है मेरी माँ बहनें हैं, ये लोग मेरे अपने हैं। जो पॉलिटिकल बात नहीं कह के पर्सनल अटैक कर रहे हैं, करने दीजिए, अगर उनको इससे खुशी मिलती है तो करने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। कोलकाता कॉरपोरेशन 62 में स्थित यूनाइटेड क्लब 62 पसमानदा अफराद के लिए जिंदगियों में वाजह तब्दीली ला रहा है। अपनी मुसलसल कोशिशों के जरिए तंजीम ज़रूरतमंदों में माहाना बुनियादों पर राशन तकसीम कर रही है, लेकिन बस इतना ही नहीं, वह इस बात को यकीनी बनाने के लिए त्योहारों के मौके पर नए कपड़े, सर्दी से पहले कंबल की फरहमी, मेडिकल सेवा व अन्य दीगर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा लोगों के साथ पेश रहते हैं। उनका ये बेलौस काम कम्युनिटी सर्विस की ताकत और एक तंजीम के असरात का सबूत है। ज़रूरी ज़रूरियात फ्राहम करके यूनाइटेड क्लब 62 एक ज़्यादा मशावी मुआशरे बनाने में मदद कर रहा है। जैसा कि हम उनकी नुमाया शराकतों को तस्लीम करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि मेहरबानी की छोटी सी छोटी हरकतें भी गहरा असर डाल सकती हैं। यूनाइटेड क्लब 62 की समाजी काम के लिए लगन हम सब के लिए एक तहरीक है और हम दुनिया में मुशब्बत तब्दीली लाने के लिए उनके मुसलसल कोशिशों की मुंतजिर रहे। इस मौके पर आए महिलाएँ और लोगों ने अकराम और बबलू अदारे की तारीफ़ करते हुए कहा कि जिस तरह से अकराम और बबलू भाई लोगों की मदद करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, वो काबिले तारीफ़ है। वो एक तरफ नेक काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक उनसे जलने वाले उनकी बुराइयां करने और उनके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो कुछ काम नहीं करते, वो बदनाम करेंगे और जो काम करने वाले हैं वो काम करते रहेंगे। जिस तरह से अकराम और बबलू भाई काम कर रहे हैं, गरीब ज़रूरतमंदों के लिए खड़े होते दिख रहे हैं। आइए देखते हैं आगे की वीडियो में महिलाएं, लोगों ने एवं बबलू और इकराम ने मीडिया से बातें करते हुए क्या कुछ कहा। राशन का ये है कि हम लोग तो ऐसा काम जो है हमेशा से करते आए हैं और खुशी इसलिए होती है कि अगर हम किसी के काम आ सके कुछ, तो उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती है। हम लोग रमज़ान में भी बांटते हैं और अभी हम लोग कंटिन्यूस मंथली जो राशन है लोगों को, जितने लोगों को हम लोग दे सकते हैं हम लोग बांट रहे हैं। ऑलमोस्ट 1000 लोगों को बांटते हैं हर महीने, जैसा कि आप देख रहे हैं एरिया वाइज बांटते हैं, क्योंकि एक साथ इतना भीड़ लगाना ठीक नहीं है, तो हम लोग उसको जैसे 3-4 दिन में बांट देते हैं हर महीने में। प्लस अभी ठंडा आता है तो उसमें ब्लैंकेट्स भी बांटते हैं और जो जो हो सकता है करते हैं लोगों के लिए। तो इससे हम लोगों को खुशी महसूस होता है कि भाई अगर हमें अल्लाह ने कुछ दिया है तो हम किसी के कुछ काम आ सक रहे हैं। किसी पे कोई एहसान नहीं है, अपनी मर्जी से देते हैं और जो लोग लेने आते हैं हम लोग उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोग ने हमें मौका दिया किसी की खिदमत करने। सरकार द्वारा तो फ्री राशन दिया ही जा रहा है, सरकार क्या दे रही है नहीं दे रही है उससे तो हमसे लेना देना नहीं है, वो तो सरकार जाने और जो लोग ले रहे वो जाने। हम अपनी तरफ से अपने पैसे से हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, अपने खटे कमाई से देते हैं, इससे हम लोग को खुशी महसूस होती है इसलिए हम लोग देते हैं। जो मंथली राशन है वो 62 वार्ड के लोगों के लिए है, लेकिन हम लोग जब कंबल बांटते हैं या रमजान में बांटते हैं तो हम लोग और सब लोगों को देते हैं, किसी भी लोगों को देते हैं। एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को भैया मेरे देखिए कौन क्या बोल रहा है, हमें तो नहीं, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कि हमें किसी से पर्सनली कुछ नहीं है। अगर कोई बात हम लोग ने पॉलिटिकली कही है तो उसके लिए वो पॉलिटिकल होता बात तो ठीक रहता, पर्सनली हमको किसी से कोई रंजिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो जो चाहे कह सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह सकता हूँ आप लोग खुद जर्नलिस्ट हैं, आप लोग खुद पता कर लीजिए कि इसका शेयर किस पे जाता है और कौन करवाता है और कौन करता है, ये आप लोग खुद जान सकते हैं, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वो लोग हमारे साथ थे, दिन रात हमारे साथ रहते थे, आज उनको हमारे में खराबियाँ नज़र आ रही हैं, इसलिए कि हमने पार्टी बदला है, हमने भी पार्टी बदला है तो हमने भी कुछ सोच समझ के बदला ना, हमारा भी दिल दुखा होगा, हमारे ऊपर भी कुछ ऐसा हुआ होगा। कोई अगर एक पार्टी इतने साल 14 साल करने के बाद छोड़ता है तो ज़रूर कोई बात रहता है ना, ऐसे तो नहीं छोड़ता है पार्टी। तो वही लोग जो हम लोगों के साथ हर वक्त रहते थे, आज वो हमारी बुराई कर रहे हैं, कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहते, याद है, पर वो अगर कह रहे हैं तो कहने दीजिए, वी डोंट माइंड। पॉलिटिकल बात नहीं कह के पर्सनल अटैक कर रहे हैं, करने दीजिए, अगर उनको इससे खुशी मिलती है तो करने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये हर महीना हम लोगों को तकसीम होती है और ये राशन जो है आप समझ लीजिए कि आटा है इसमें, चावल है इसमें, दाल है, नमक है और बिस्किट है, तो थोड़ा सा राशन हम लोग जो है हर महीना यहाँ पे करीब करीब 1000 लोगों को, फैमिली को जो हम लोग बांटते हैं हर महीना देते हैं। जी हाँ, हर महीना हम लोग तो शुरू से जो है सोशल काम करते आए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि लोगों की ज़रूरत जो है तो उसको थोड़ा सा हम लोग फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कौन से वार्ड से लोग आते हैं, सिर्फ आपके होम वार्ड? ये हम लोगों के यहाँ सिर्फ 62वें वार्ड के लोग ही हैं, यहाँ तमाम लोग 62वें वार्ड के। हर महीने में होता है ये, पहला 15 दिन के अंदर जो है हम लोग 500 फैमिली को देते हैं, फिर 15 दिन में 500 फैमिली को देते हैं। जो लोग आ रहे हैं, इन लोगों का आप लोग चूज कैसे करते हैं, सर्वे करते हैं या लोग आकर के आपके यहाँ फॉर्म फिलअप करके जमा करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हम लोग चूंकि ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं ना, तो हम लोग जानते हैं सब फैमिली को, तो जो जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उन लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोगों को इलाके में, जो हम लोगों के लड़के सब हैं वो इलाके वाइज पार्ट वाइज जो है वहाँ से लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ से वो लोगों का फ़ोन नंबर वगैरह कलेक्ट कर करके हम लोग यहाँ पर देते हैं, तो हम लोग यहाँ से जो है फ़ोन करके उन लोगों को बुला देते हैं। देखिए असल में ये बहुत थोड़ा सा राशन है, 2 किलो चावल है, 2 किलो आटा है, 1/2 किलो दाल है, 1/2 किलो नमक है, 2 पैकेट बिस्किट्स है, तो इस तरह से जो है हम लोगों अभी फिलहाल शुरू किए हैं, तो मतलब लगभग ये समझिए कि हर महीना हम लोग देते हैं, साल भर से ही चल रहा है। सरकार कहती है कि हम लोग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं, इस बात से जाहिर होता है कहीं ना कहीं गुर्बत काफ़ी ज़्यादा है, तो जैसे आप बता रहे हैं आपके होम वार्ड के लोग आ रहे हैं और इस तादाद में राशन जो ले रहे हैं, साबित होता है कि काफ़ी पसमानदा लोग ज़रूरतमंद तो देखिए है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ज़रूरतमंद नहीं है, तो हमारे इलाके में थोड़ा सा बस्ती इलाका है तो यहाँ भी ज़रूरतमंद है, तो हम लोग यहाँ सियासत में हैं लेकिन यहाँ पे सियासी का कोई मसला नहीं है, हम लोग यहाँ से सोशल वर्क बबलू भाई हैं, हम हैं और हमारी जो टीम है ये सब हम लोग मिलकर के ये काम खुद से करते हैं। काम कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो कोलकाता प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताई थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको बताऊँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे ये नहीं बताया गया, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो बाकी लोग जो कांग्रेस के हमारे लोग थे वो लोग जो कहें तो समझिए कि मैं भी हूँ उसमें, तो कहने का ये था कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इलाके में उससे बिल्कुल भी हम लोग को गुरेज नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है डिपार्टमेंट समझेगा कि लीगल है क्या है नहीं है, वो हम लोगों का लेना देना नहीं, हम लोगों का सिर्फ ये कहना था, कांग्रेस पार्टी के लोगों का ये कहना था कि वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बिल्कुल टूटे नहीं, क्योंकि होता क्या है केस हो जाता है या कोई मसला आ जाता है तो फिर उसके बाद जो है 10 साल के बाद हमारे इलाके में जो है 13-14 फैमिली को जो है घर से बेघर कर दिया गया, कोर्ट के ऑर्डर के जरिए जो है उसको तोड़वा दिया गया, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि मकान बने भले बने टूटे नहीं, हम लोगों का जो डिमांड है वो आपका डिपार्टमेंट से वो यही डिमांड है कि बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो मेहमान को टूटे नहीं, ताकि लोग जो है मजीद और बेघर ना हो। पर्सनल अटैक तो कोई कर ही सकता है, इसमें तो किसी को रोका नहीं जा सकता, अगर वो कुछ का इतना समझ है, इतना ही सोच है लोगों का, पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कबल हम लोग तो काउंसलर के साथ ही थे, उसके बाद हम लोग कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस के वजह कर हम लोगों ने दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो पहले जब थे हम लोग तो वो काउंसलर भी थे यहाँ, ऐसी बात नहीं है, मिलकर ही हम लोग बांटते थे, अब चूँकि पार्टी बदल गया है लेकिन हम लोग जो है ये पार्टी के बैनर से नहीं बल्कि यूनाइटेड क्लब 62 जो पहले भी थी
अभी भी है, हम लोग जो है उससे बांट रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोगों को पार्टी बदलने की वजह से पर्सनल निशाने बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है? देखिए उसके बारे में हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ पे कोई बाहर से आए नहीं हैं, जो लोग भी कह रहे हैं वो भी कल हमारे अपने ही थे। क्या समझे, हमने सुना है कि जो लोग कह रहे हैं, तो सवाल ये है कि ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइन लगी है, ये औरतें सब जो है मेरी माँ बहनें हैं, ये लोग मेरे अपने हैं। जो कहा जा रहा है ना कि सगा, तो यही लोग हमारे सगे हैं। और अगर लगता है कि हमसे सगा को ठाका है बबलू भाई यार हमने, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग जो है, जैसे कि उन लोगों ने कहा अपना कि हम लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी कम आ रहे हैं, तो इस तरह से सोशल काम वो लोग भी कर सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ दाल और चावल, मैंने भात और नमक और दाल और रोटी और सिर्फ बिस्किट दे रहे हैं, चाय का इंतज़ाम नहीं है, तो वो चाहे तो चाय चीनी बांटे ना, कौन मना कर रहा है उन लोगों को। ये यूनाइटेड जो V62 क्लब है, कब से बना और किस तरह से आप क्या क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा? देखिए ये क्लब हम लोगों का लास्ट 3 साल से हुआ है, ये 3 साल लगभग होने को आ गया है। तो इसमें हम लोग जो है राशन का जो काम कर रहे हैं ये हर महीना है। इसके अलावा जो है हम लोग हमारे इलाके में जो है जो गरीब मतलब ज़रूरतमंद जो है जिसमें विवाह भी हैं कुछ, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग जो है कुछ इंतज़ाम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग असल में नहीं करते, ये पहली बार जो है आप लोग आए हैं तो हम आप लोग बयान कर रहे हैं। हम लोग जो है उन्हें महीनों महीनों हर महीने जो है कुछ ना कुछ इंतजाम करते रहते हैं। तो जैसे दवा पानी का ही मसला है, हम लोग अभी एक हेल्थ का जो है वो चलवाया है कि जिसको मान लीजिए कि दवा की ज़रूरत या कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है, वो जो आपका लीवर टेस्ट और वगैरह जो टेस्ट होते हैं ना, तो उसमें जो है काफ़ी खर्च आती है, तो लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों का उसका भी इंतजाम किए हैं कि जाकर के वो फ्री में टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। 1000 से ज़्यादा आपने कंस्ट्रक्शन में काम किया, जिसमें से आधे से ज़्यादा आप लोगों को आरोप लगे, आप लोग इन आरोप भी लगा हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए अभी ये वाला टॉपिक नहीं है, यहाँ हम लोग आज राशन बांट रहे हैं, ठीक है, राशन बांटने का काम कर रहे हैं। आरोप तो लगते ही, तो हर बात के जवाब देने की ज़रूरत है, किसी से कंपटीशन में नहीं जाना है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं ठग रहा हूँ या मैं कोई दो नंबरी काम कर रहा हूँ, तो उन्हें चाहिए कि वो अच्छा काम करें और वो जो है राशन में इजाफा करें ना, क्या मसला है, लोगों की मदद करें। क्योंकि हम तो सिर्फ 2 किलो चावल 2 किलो ही दाल दे रहे हैं, इसमें तो महीना में नहीं गुजरता, हम महीने में एक बार दे रहे हैं, ठीक है ना। ये पर्सनल हमारा बबलू भाई का, हम लोगों का बिल करके जो ये पैसा रकम करके हम लोग जो कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हम लोग पर्सनल है। तो आप माशाल्लाह कमा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम कमा रहे हैं, तो आपको भी चाहिए ना कि आप हिस्सा लें इसमें, चाहे हम लोग के साथ आके हिस्सा ले लें, चाहे अलग से दे दें, कोई मसला नहीं है, वार्ड के लोगों का फायदा होगा। देखिए इन लोग जो कहते हैं, आज नहीं हमेशा से इन लोग ये सोशल काम करते हुए चले आ रहे हैं इस क्लब से, हर किसी का, हर गरीब का, कोई भी इनके दर से खाली नहीं जाते। किसके किसी की शादी हो, किसी का हॉस्पिटलाइज खर्चा हो, बहुत ही जो प्रेसिडेंट है बबलू भाई, तो ये आम इंसान हो के कर इकराम भाई, बबलू भाई बहुत काम करते हैं एरिया में 62 वार्ड में। किसी का शादी कराना है, किसी का बीमारी में, नाइन सुबह से इनका गेट खुलता है, बस लाइन लग जाता है, लगता है ये काउंसलर है, ये ऐसे है हर वार्ड में। हम चाहते हैं ऐसा हो तो समाज में एक तरह का सुधार आ जाए, ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, सारी समाज के लिए। कभी खाना पका हुआ बढ़ता है, कभी कच्चा बढ़ता है, जिसके घर में मतलब किसका शादी कराना है, किसी का ऑपरेशन के लिए कुछ घट गया है उसके लिए है, हर कोई इनके दर से आता है, कोई खाली नहीं। सही, एकदम सही बोले, एकदम एकदम। सुबह होता है इनका गेट खुलता है, लाइन लग जाता है, कोई बीमारी लेके आता है, कोई पर्ची लेके आता है, दवा दो, पका के खाना बना के देना गरीबों को, जितना लेडीज का इज्जत करना, बहुत एहतराम करते हैं, बहुत गुड इंसान है इकराम भाई और बबलू भाई। हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो बबलू भाई है बहुत अच्छे, ये इकराम भाई बहुत दिन से ये कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन ऐसा कुछ उरूज में आया इसके वजह से नहीं, ये काफी दिनों से इनका कम से कम हम लोग अब जानते हैं, जिनके नाम होते हैं तो वही बदनाम होते हैं, ये तो कॉमन सी बात है, देख रहे है ना, जिनके नाम होते हैं वही लोग बदनाम, जब बदनाम नहीं होंगे तो नाम कैसे होगा। हर लेडीज के जुबान पे बबलू भाई है, आप जिनसे भी पूछे पूछ लीजिए, इनके साथ अभी इकराम भाई भी शामिल है, इन लोग का कदम मिला रहे हैं, सुहागा हो गया, गरीब को नहीं मालूम है कि किनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उन लोग को हम लोग लाके इन तक का पहुंचा रहे हैं, इन लोग के जरिए हम लोग उनका हेल्प कर रहे हैं, हम लोग भी लेके आते हैं उनके घर पे।